राम कुमार कश्यप, 5 मिनट मिलेंगे आपको, 4 मिनट पर मैं घंटी बजा दूंगा। एक मिनट का टाइम कंक्लूड करने का मौका दिया, कंक्लूड करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और सर मैं इस बात से भी सहमत हूं कि नाबालिगों द्वारा अपराधों में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। तो वर्ष 2010 में नाबालिगों ने 22,470 अपराध किए, 2011 में 25,125, 2012 में 27,936 अपराध किए, 2013 में 31,725, 2014 में 33,026। तो इन आंकड़ों को देखें तो इससे लगता है कि निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें अब इसकी ध्यान देना होगा कि ये अपराध क्यों बढ़ रही हैं। तो मेरा जो मानना है, इन अपराधों के पीछे मुख्य कारण जो है हमारी शिक्षा की कमी, और जो हमारे देश में गरीबी है मुख्य कारण है। जो शिक्षा हमारे देश में शिक्षा का, जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर जो निरंतर गिरता जा रहा है, विशेष रूप से प्राइम सरकारी स्कूलों में, पिछले साइलेंस प्लीज सरकारी स्कूलों में डोंट स्टैंड, जैसे लेंस। तो पिछले हफ्ते हरियाणा का 10वीं का बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें से 60% बच्चे फेल हो गए, 40% बच्चे हुए पास हुए, क्योंकि इस शिक्षा के स्तर को डाउन करने में मैं मानता हूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का बहुत अहम योगदान है। उस एक्ट के अंतर्गत सभी 8वीं तक के बच्चे को किसी को फेल नहीं किया जाता, वो स्कूल में आए या ना आए, स्कूल में पढ़े ना पढ़े, उसको 8वीं तक उसको पास कर दिया जाता है। और यहाँ तक उस ऐसे इंस्ट्रक्शन है, 14 साल का बच्चा अगर किस एक दिन भी स्कूल में नहीं गया, अगर वो 30 मार्च को स्कूल में जाकर ये एफिडेविट देता है कि मैंने घर पे शिक्षा करी है, और 31 मार्च को उसका रिजल्ट आना है, उसको 8वीं का सर्टिफिकेट उसको थमा दिया जाता है। इस प्रकार के बच्चे जो 10वीं में जाएंगे, उनका क्या हाल होगा। इसीलिए हमारे जो 10वीं के बोर्ड परीक्षाएँ जो सारी, वो उनके रिजल्ट डाउन आ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा, अगर इसमें शिक्षा की नीति में वो करें, चेंज करें, और 5वीं 8वीं का बोर्ड तो बनाए, इसके लिए 5वीं का बोर्ड अवश्य बनाए, और इस तभी जाकर के ये शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा हो सकेगा। इसके लिए गरीबी भी हमारा मुख्य कारण है, और गरीबी के लिए तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक और जानना चाहूंगा, मुझे इस बिल के बारे में और कुछ शंकाएं हैं, क्या इस बिल के आने से लोग अपनी रंजिश नहीं निकालेंगे। गोवा में बहुत मुकदमे होते हैं, जब मुकदमा होता है सबसे पहले लोग ये देखते हैं इस घर में क्या है, कोई बालक नाबालक है, इस घर में कोई नौकरी आदमी है, तो फिर उसके जो है अपनी खुंद निकालने के लिए, अपनी रंजिश निकालने के लिए उसका नाम उसमें आ दिया जाएगा। तो मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहूंगा, क्या इस बिल में ऐसा प्रावधान है भी अगर झूठा मुकदमा अगर सिद्ध होता है, क्या उसको भी उतनी सजा दी जाएगी जितनी उस बालक को दी जाएगी। तो मैं चाहना चाहूंगा कि इसमें सजा का प्रोविजन किया जाए। इसके बाद मेरी दूसरी शंका है, क्या इस प्रकार के बिल आने से जो वोट का अधिकार हमारे जो 18 साल को मिलता है, क्या वो 16 साल के को मिलेगा, क्योंकि इसके आने से 16 साल के जो बालक हैं अपना वोट का अधिकार भी मांगने शुरू कर देंगे। क्या इस बिल के आने से जो हमारा जो मैरिज एक्ट है जिसमें शादी की उम्र 18 साल मानी गई है, उसके आने से क्या 16 साल के बच्चों की भी जो शादी होगी, क्या वो शादी जो है चैलेंजेबल नहीं होगी। इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं करता हूँ, जो 18 साल का से कम बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है, और वो जो है वाइट माना जाता है, क्या इस प्रकार के बिल आने से क्या वो 16 साल का अगर बच्चा 17 साल का बच्चा जो एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या वो भी वाइट माना जाएगा या वैलिड माना जाएगा, इसके बारे में मेरी शंका दूर करने का मंत्री जी महोदय काम करेंगे। इसके बाद अपराधों की, जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है, ये सरकार का ही केवल काम नहीं है अपराधों को कम करे, ये हमारी सामाजिक बुराई है, ये हमारे समाज की जिम्मेवारी बनती है, हम सभी की जिम्मेवारी बनती है इसको हम दूर करें। क्या होता है, आज हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी है, आज हमारे बच्चे जो हैं अपनी संस्कृति को छोड़ करके पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, असली तो एक भाग रहे हैं, इसलिए उनको संस्कारों की कमी है, जिसके कारण ये जो है हमारे अपराध बढ़ रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा मुझसे भी हम सभी भी इसमें अपना सहयोग करें, मेरा इतना ही कहना था। मैं अंत में, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद करूँगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।